नमस्कार दोस्तों, टेक्नियम का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप अपने S22 अल्ट्रा में 10x पोर्ट्रेट कैसे खींच सकते हो। जनरली दोस्तों क्या होता है कि जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो इसमें पोर्ट्रेट पे जब जाते हैं तो हमें दो लेंस का ही ऑप्शन आता है, 1x और ये 3x। जैसे कि ये फूल का मुझे खींचना था तो ये दोस्तों अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये काफ़ी मुझे दूर दिखा रहा है 3x पर भी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर 10x का जूम कैमरा का लेंस को यूज़ करके आप इसको पोर्ट्रेट में कैसे खींच सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, एक्सपर्ट रो, जो कि सैमसंग के स्टोर में मिल जाएगा आपको। और जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चारों लेंस का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अल्ट्रा वाइड, वाइड, टेलीफोटो और स्टैंडर्ड टेलीफोटो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये 10x जूम वाला कैमरा भी एक्टिव हो गया है। और जैसे ही ये 10x पे जा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट मेरा काफ़ी पास आ गया है। और अब आप यहाँ पे फोकस का ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ से आप फोकस को मेंटेन कर लेंगे कि आपको जैसे भी फ़ोटो खींचना है। जैसे ये मैं फुल पर पूरा फोकस देखे आ रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पर कैप्चर लेंगे और अब हम दोस्तों ये देखेंगे हमारा शॉट जो है काफ़ी नेचुरल, एकदम एक DSLR ऐसा आपको देखने में मिलेगा और ये काफ़ी बढ़िया दोस्तों यहाँ पर शॉट निकल कर आया है। तो दोस्तों मुझे ऐसा हो कि अभी इस कैमरा को ट्राई करेंगे इस ऐप को और 10x जो पोर्ट्रेट नेचुरल पोर्ट्रेट शॉट है आप अपने फ़ोन से क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।